हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज दोस्तों इसरो ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें टोटल 61 वैकेंसीज हैं दो पोस्ट के लिए। इसमें ये इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, आपकी जो सैलरी है वो 90,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इसमें 61 वैकेंसीज हैं, जो टोटल पोस्ट हैं वो दो रहेंगी, तीन नहीं है, ये दो है, इंजीनियर SD और इंजीनियर SC, दो पोजिशन रहेंगी आपकी। तो देखिए दोस्तों कितनी कितनी वैकेंसी हैं। जो आपकी इंजीनियर SD के लिए जो है उसमें 19 वैकेंसी हैं, और अगर आपको इंजीनियर SD के लिए अप्लाई करना है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, PhD इन फिजिक्स, एरोस्पेस, एटमॉस्फेयर साइंस, मेट्रोलॉजी, स्पेस साइंस, प्लेनेटरी साइंस, डायनामिक्स मॉडलिंग एंड कंट्रोल ऑफ एरोस्पेस व्हीकल्स में होनी चाहिए, तब आप इंजीनियर SD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल 19 वैकेंसी हैं। और जो बची कुची जो 42 वैकेंसी है वो इंजीनियर SC के लिए, एक इंजीनियर SC है और एक इंजीनियर SD है। तो इंजीनियर SC के लिए क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए, BTEC क्या हुआ है मैकेनिकल में तो अप्लाई कर सकते हैं, MTEC इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल एंड गाइडेंस, कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग और सरफेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इनमें अगर MTEC किया हुआ है तो वो इंजीनियर SC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी इंजीनियर SD के लिए 90,000 होगी, जिसमें जिसके लिए आपको PhD होना चाहिए। इंजीनियर SC के लिए 74,600 रुपीज़ होगी पर मंथली सैलरी है दोस्तों, जिसके लिए मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दी। लास्ट डेट बता देता हूँ, 3 जनवरी 2021 शाम के 5 बजे तक है। अपर इज 35, एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज़। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे जो लिंक दी हुई है उस पर जाकर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह की अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब से अपडेट आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। धन्यवाद।